और वही खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद विकासखंड निकासन की ग्राम पंचायत सहनखेड़ा की नव निर्वाचित ग्राम प्रधान अख्तरी बेगम वर्चुअल शपथ ग्रहण करेंगी। आपको बता दें कि ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अनवर खान ने अपने विकास कार्यों के बलबूते पर लगातार 3 पंचायत चुनावों में बाजी मारी। प्रधान की कुर्सी के साथ साथ ग्राम पंचायत की जनता का भी दिल जीत लिया। पिछले कार्यकाल में उन्होंने गांव में करीब 300 पीएम आवास, 400 शौचालय, 2 आंगनबाड़ी केंद्र और 1 पंचायत भवन समेत कई निर्माण कार्य कराए हैं। उनका लक्ष्य गांव को विकास की मुख्य धारा से जोड़कर पात्र लोगों तक सरकार की योजनाओं का लाभ देना है। जो इस समय हम लोगों की मुख्य लड़ाई है वो कोविड से लड़ना है। मान लीजिए तो हम लोग गाँव में निगरानी समितियों का गठन करा दिया गया है। शासन के द्वारा हम लोगों को निर्देशित किया गया था, तो उनका पालन हम लोग करा के दूरी, निश्चित दूरी पर रह के और उनका जो है टीकाकरण के लिए प्रेरित करें लोगों को। अभी हम लोगों ने कैंपेन भी चलाया है, इसमें गाँव के सदस्य लोग मतलब इकट्ठे होकर के कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन का कार्य कराया जाए और जो भी बाकी गांव की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके बाद में उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। लेकिन पहली लड़ाई जो हमारी है वो कोविड से है, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। लॉकडाउन में जो गरीब परेशान हैं उनको उनको कैसे मदद पहुंचाई जा रही है? जी, उनको मदद देखिए शासन के द्वारा उनका 3 माह का राशन फ्री आ गया है, वो वितरण हो रहा है। इसके अलावा अभी सरकार ने जो जो कामगार लोग हैं ग्राम पंचायतों में उनके लिए शासन ने 1,000 रुपये प्रतिमाह देने का लक्ष्य निर्धारित किया है, उनकी सूची हम लोग बनवा रहे हैं। त्रि पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद शपथ ग्रहण कर चुके प्रधानों ने अपने अपने गांवों में विकास कार्यों की तैयारी में जुट गए हैं। इसी बीच हम लखीमपुर जिले के निघासन ब्लॉक के ग्राम पंचायत सहनखेड़ा में मौजूद हैं। यहां के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हमारे पास मौजूद हैं, हम जानते हैं इनसे कैसे इन्होंने क्या विकास कार्य किए हैं। ग्राम सहनखेड़ा की जनता हमको लगातार तीसरी बार प्रधान चुना है और विकास कार्यों की रही बात तो सरकार की जो भी योजना है ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ भाग करके हम पाने गांव में संचालित करवाया है। लगभग कितने आवास आपने निर्माण करवाए? हमारे 3 साल के पीरियड मतलब 3 पीरियड में लगभग 300 से ऊपर आवास बनवाए गए हैं। करीब 430 शौचालय बनवाए गए हैं। गांव में नाली, इंटरलॉकिंग, सारे रास्ता कंप्लीट करवा दिए गए हैं। आंगनबाड़ी केंद्र कितने बने? 2 आंगनबाड़ी केंद्र बनवाए गए हैं। 1 पंचायत भवन बनवाया गया है। ये सारी सरकार की योजना गांव में लागू कराई गई है। प्राथमिक विद्यालय में क्या व्यवस्था है? उसमें क्या व्यवस्था? प्राथमिक विद्यालय में व्यवस्था जो सरकार के आदेश के द्वारा टाइल्स वगैरह लगवाने थे वो सब लग के कंप्लीट है और उसमें मॉडल शौचालय भी बनवाया गया है। और रही बात स्कूल की तो स्कूल हमारा बिल्कुल स्वच्छ। इस बार आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी? 5 साल में आप जनता को क्या कुछ देंगे सरकार की तरफ से? अब सरकार की योजनाएं जो भी ग्राम सभा में लागू होने वाली होंगी उसके लिए प्रयास करेंगे। जनता ने इनके बेहतर कार्यों को देखते हुए 3 बार अपना प्रधान चुना है। साधना न्यूज के लिए जमीर अहमद, लखीमपुर खीरी। देखिए सर्वप्रथम जो इस समय हम लोगों की मुख्य लड़ाई है वो कोविड से लड़ना है।